हमजा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हमजा, जिस तरीके से एक के बाद एक इस्तीफों का दौर जारी है इमरान सरकार का, विपक्ष अपनी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आज, और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे मकबूल सिद्दीकी, क्या मायने निकाले जाए इसके और ये क्या कह सकता है विपक्ष आज? देखिए, इसके मायने बहुत क्लियर हैं, क्योंकि राबता कमेटी एमकेएम की जो मीटिंग कराची के हैदराबाद के एरिया में हुई, उन्होंने वापस आके ये क्लियर कर दिया कि एमकेएम की जो फैसला उन्होंने लिया है अपोजिशन के साथ जाने का, उस फैसले के हवाले से एमकेएम को के मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया और उन्होंने उसके ऊपर हामी भर दी है। इसका मतलब है कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, उसमें एमकेएम बाकायदा ऐलान करेगी कि उसने अब हुकूमत का साथ छोड़ दिया है। और इससे इसकी इसकी एक और जस्टिफिकेशन ये भी थी कि जब इमरान खान ने कैबिनेट के मेंबर्स को बुलाया उस खत के हवाले से बात करने के लिए अभी कुछ देर पहले, तो उसमें भी एमकेएम की लीडरशिप ने आने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब साफ था कि जो है वो इसके साथ अब नहीं, अब इमरान खान के साथ वो नहीं है। दूसरा ये कि फरूक नसीम एक लॉ मिनिस्टर फेडरल मिनिस्ट्री के थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, क्योंकि ये फरूक नसीम ही थे जिन्होंने आर्मी चीफ के लिए, जब एक्सटेंशन का टाइम था तो उन्होंने आर्मी चीफ के लिए एज अ लॉयर काम किया था और अपनी मिनिस्ट्री को 4 दिन के लिए छोड़ दिया था। अब उन्होंने भी जो है इस चीज से इस्तीफा दे दिया है, आईटी मिनिस्ट्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो ये क्लियर है कि एमकेएम अब अपोजिशन के ही बेंचों में आके बैठ चुकी है इमरान खान के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लगातार जो विपक्ष है वो मजबूत होता जा रहा है, लामबंद है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की सरकार के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद हमजा, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।